नमस्कार दोस्तों, बीयर क्रिएटिव चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट मेनू में यहाँ पे इंसर्ट बार कोड। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेनू में जाएंगे, जो फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट बार कोड, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से हमारे पास कुछ आता है। और यहाँ पे आप जाते हैं और यहाँ से जो हमारे इंडियन का है, अलग अलग कंट्री का, अलग अलग जितने भी है, जापान, यहाँ पे सारे कंट्री का अलग अलग यूएस, यहाँ पे जो बारकोड होता है अलग होता है। तो हमारे जो इंडिया का है वो 13EM13, ये इंडिया का होता है। और यहाँ पे मान लीजिए हमने बारकोड यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी दे दिया है, यहाँ पे देखेंगे एंटर, यहाँ पे 12, वो एंटर 12 नंबर का कोड होता है यहाँ पे जो डालते हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, यहाँ पे मैनुअली कुछ भी नंबर दे देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे जैसे यहाँ पे 12 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा, नेक्स्ट कर देंगे इसके बाद यहाँ से। उसके बाद ये डिफॉल्ट साइज ही रहने दें, यहाँ पे देखेंगे बार वीट थे रेगुलेशन, ये अपने हिसाब से इतना ही रहता है। उसके बाद बाकी आप यहाँ से नेक्स्ट कर दें और यहाँ से आप फिनिश कर दें। अब जैसे फिनिश कर देंगे आपके पास यहाँ पे इस तरह से बार कोड आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से बार कोड आ जाएगा, इस तरह से आप इसे यहाँ पे जैसे जूम करेंगे और ये इस तरह से आप इसमें से एक चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है, मान लीजिए इसको सिलेक्ट हो रहा है। और इसके पीछे अगर बैकग्राउंड हम देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हमने इसको इतना यहाँ पे बैकग्राउंड कर दिया और इसके इसको मैंने Ctrl+ पेज अप कर दिया, यहाँ पे पेज डाउन कर दिया, तो इसके नीचे मान लीजिए ये है, तो हमारे पास ये पूरा JPG में है। अगर हम इसको अगर चेंज करना चाहते तो किस तरह से चेंज कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमारा जो यहाँ पे अगर इस तरह से कभी कभार क्या होता है, अगर प्रिंट होता है तो हल्का कलर आता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें इसको पूरा 100% ब्लैक करना है, तो हम यहाँ से मैनुअली जाके यहाँ से अगर जैसे यहाँ से ब्लैक करते तो ये पूरा ब्लैक नहीं हो पाता कभी कभार। तो हमें क्या करना है, मान लीजिए हम यहाँ से पूरा ब्लैक करते जैसे, तो ये 100% ब्लैक नहीं हो पाता, तो हम उस सिचुएशन में क्या करते, यहाँ से जाएंगे एडिट में और यहाँ पे जाएंगे फाइल में, और फाइल में जाके एक्सपोर्ट करेंगे। हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पे देखेंगे CMX कोरल प्रेजेंटेशन एक्सचेंज, यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे बारकोड लिख दिया, और बारकोड के नाम से हमने यहाँ से सेव कर दिया, और ये जो हमारा बारकोड है यहाँ पे सेव हो गया। और हम इसको क्या करेंगे, मान लीजिए हम जो दूसरा है इसको पोर्टेबल कर देते हैं यहाँ से, यहाँ पे लैंडस्केप कर देते हैं पोर्टेबल से, और नेक्स्ट हम इस पर क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और इंपोर्ट करेंगे। अब जैसे हम इसको इंपोर्ट करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे हमने जो किया था बारकोड, और हमारा जो बारकोड है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जो सेव किया है वो यहाँ पे हमारा यहाँ पे देखेंगे बारकोड के नाम से सेव किया, वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ से इतना ड्रैग करके यहाँ जैसे छोड़ते हैं, तो हमारे यहाँ और फर्स्ट वाले का और इसका हम डिफरेंस देख लेते हैं। इस पर डबल क्लिक करते हैं और इस पर कलर फिल करते हैं, और आप इस पर आप देख सकते हैं इसमें और इसमें दोनों में कलर डिफरेंस देख सकते हैं। मान लीजिए हम इसको अलग कर सकते हैं, इसको हम इस पीछे का बैकग्राउंड हटा सकते हैं, लेकिन इसका पीछे का बैकग्राउंड हम यहाँ से हटा नहीं सकते, यहाँ से ये पूरा एक ही फाइल में है, यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट में है। अगर मान लीजिए हमने इसको पूरे को यहाँ से ग्रुप कर दिया, मान लीजिए यहाँ से हमने ग्रुप कर दिया और ग्रुप करके यहाँ से इसको पेज अप कर दिया, और यहाँ से हम यहाँ से कोई से भी, अब यहाँ से मान लीजिए कोई से भी कलर आप यहाँ से दे सकते हैं। ये मैक्सिमम ये ब्लैक कलर ही रहता है, इसमें दूसरा कलर होता नहीं है, बट इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से 100%। और यहाँ पे जाके आप डबल क्लिक करेंगे इस पर कलर पे जाके, मान लीजिए इस पर आप जैसे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास इस तरह से आ जाएगा। और आप क्या कर दें, यहाँ पे पूरा 100-100 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए ये पूरा 100-100 नहीं है तो आप यहाँ से मैन्युअली पूरा 100-100 कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये पूरा ब्लैक है। ठीक है, तो अगर आपको चेंज करना है, आप देख लीजिए, मान लीजिए ये पूरा एक एक पार्ट अलग अलग है, आप मान लीजिए इसको अनग्रुप करना है, आप जैसे अनग्रुप करेंगे तो ये अलग अलग पार्ट है, देख लीजिए आप इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसको हटाएंगे तो ये स्कैन नहीं होगा, स्कैनिंग में प्रॉब्लम होगा। तो आई थिंक इसमें क्या है, आप इस बार कोड का जो यहाँ पे इसका कोरल में ज़्यादातर इसका यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फॉर्मल जानने के लिए आप इसका नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे देखें इंसर्ट और कोड। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे पेटीएम में और उसका जो
कोड होता है यहाँ पे। अब जैसे इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो क्रैक वर्जन है तो अब ये रजिस्टर्ड नहीं है, इसीलिए हम इसमें नहीं कर सकते। अगर ये रजिस्टर्ड होता तो इसमें हम कर सकते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है उसी का नेक्स्ट ऑप्शन ये देखिए हाइड है, तो इसका मतलब ये भी नहीं कर सकते। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट, आप उसके यहाँ पे देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे एडोब फोटोशॉप, यहाँ पे देखेंगे एडोब फोटोशॉप इमेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोटो प्रिंट, तो यहाँ पे देखिए क्रिएट, यहाँ सबसे ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप क्रिएट न्यू, मतलब आप एक क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन क्रिएट कर सकते हैं आप, यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग है, आप इनमें से किसी पे भी क्रिएट कर सकते हैं और वो ड्रैग करके यहाँ पे मतलब वहाँ से क्रिएट करेंगे और यहाँ पे आपका शो होगा। मान लीजिए यहाँ पे माइक्रो वर्ड है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाएगा। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया वी आर क्रिएटिव लिख दिया, और यहाँ पे हमने इसको क्या किया, मान लीजिए सिंपली इसको हमने नंबर और यहाँ से हमने इसको बढ़ा दिया, मान लीजिए हमने 72 कर दिया। और इसको आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से जैसे कट करेंगे, यहाँ से जैसे इसको कट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखेंगे आपके पास जो आपने वहाँ पे लिखा था, वहाँ पे जो लिखा था आपके पास यहाँ पे आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, और इसको भी डिलीट करता हूँ यहाँ से, और मान लीजिए हमने यहाँ से कर दिया इसको कलर, इसको दूसरे कलर में इसको हटा देता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे इंसर्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही, अब आपके पास यहाँ पे देखेंगे ये तो आपको इंसर्ट हो गए, क्रिएट न्यू पेज, आप कहीं भी काम करेंगे यहाँ पे सिंपली इसको कट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सिंपली आ जाएगा। आप किसी भी काम करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, प्रेजेंटेशन में, कहीं भी काम करें, आप मान लीजिए इस पर काम कर रहे हैं प्रेजेंटेशन में, अब इस पर क्लिक करेंगे जैसे ये ओपन तो हो जाएगा इस पर, अब यहाँ पे जैसे लिखेंगे बी आर, मान लीजिए हमने बी आर लिख दिया, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से जैसे कट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक जेपीजी, मतलब यहाँ से एक जेपीजी के रूप में यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा बी आर के एडिप यहाँ पे। तो इस तरह से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, मतलब अलग अलग जैसे ऑटो कैड, 3D मैक्स, इसमें अलग अलग काम करते हैं, मान लीजिए कोई भी काम करो उसको सिंपली वहाँ पे खुल जाएगा और जैसे कट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इस यहाँ पे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट में जाएंगे और इसमें न्यू क्रिएट में जाएंगे, उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे क्रिएट फ्रॉम फाइल, आप यहाँ पे क्रिएट फाइल कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे ओपन करेंगे, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई से भी फाइल है आपके पास, मान लीजिए ये हमारे पास ये फाइल है या कोई से भी फाइल है, आप मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ से हम यहाँ से फाइल इंपोर्ट यहाँ पे हो गया, और इसको हम इंपोर्ट जैसे ही करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से जेपीजी के रूप में यहाँ पे इस तरह से आपके पास इंपोर्ट, आप इसमें एडिट नहीं कर सकते, आप जैसे इसको जूम करेंगे आप देखेंगे इसको एडिट नहीं कर सकते, ये जेपीजी के रूप में आ चुका है। अगर आपको एडिट करना है तो आपको क्या करना है, आपको जाना है एडिट में, और यहाँ पे एडिट में यहाँ पे पेस्ट स्पेशल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाके आप जैसे ही करेंगे पेस्ट स्पेशल, वहाँ से कॉपी करके पेस्ट, तो आपको वहाँ पे सारे सुविधाएं हैं, आप वहाँ से सारे एडिट कर सकते हैं, आपको जो करना है आप उस हिसाब से काम कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो अगर आगे भी देखना है आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए थैंक यू।